वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग सैम फर्स्ट के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो दीज आर द स्मॉल शॉर्ट वीडियोस ऑफ 10-15 मिनट्स, सो दैट यू विल गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो भी इसमें कवर करेंगे, बिकॉज यू नो दैट इन एग्जाम देर आर टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, टोटल 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आउट ऑफ यू नीड टू अटेम्प्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो वी डिस्कस के इस चैप्टर में कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन कवर हुआ है, जिसमें हमने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसके जो वेरियस टाइप्स हैं, लाइक इट्स एट द इंडिविजुअल लेवल और ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो इट स्टार्ट विद अ वेरी इंडिविजुअल पर्सन एट अ स्मॉल लेवल, देन इट कम्स टू द ग्रुप, इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स, और यू कैन से इट्स अ टीम, एंड आफ्टर दैट इट इम्पैक्ट्स टू द कम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फिर नेक्स्ट हमने इसकी बात करी, अगर हम देखें तो इसमें स्कोप के ऊपर बात हुआ है, लाइक इसमें सर्टेन स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वेयर इट कम्स द साइकोलॉजी और द सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो इसका इट्स इसका जो स्कोप है वो डिफाइन हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिमेंटिक्स, फिजियोलॉजी, तो उन सब में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो दिया गया है। Then next comes as the importance of organizational behavior, right? So this is an important question from exam perspective, जहाँ पे आपको उसकी importance बतानी है, like it is useful for attaining the organizational effectiveness, आपका जो overall work है organization का वो आपका effectively होगा, sustaining the changes in the business environment के जो changes है वो easily आप adopt कर सकते हैं, ओवरकमिंग कॉम्पिटिशन को, जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में उसको ओवरकम किया जा सकता है, एंड फुलफिलिंग द ह्यूमन बेसिक नीड्स, राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एंड अगेन इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। देन नेक्स्ट कम्स एज द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज या चैलेंजेस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, लाइक द रिस्पॉन्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज चीजें जो है वो ग्लोबल लेवल पे जा रही हैं, वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी क्या है, इम्प्रोवाइजिंग द ओवरऑल क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की स्किल्स जो, डेवलपिंग न्यू एम्प्लॉय स्किल्स, प्रमोटिंग, कोपिंग अप विद द टेम्परेरीनेस, एम्पावरिंग पीपल, एनकरेजिंग एथिकल बिहेवियर। सो दीज ऑल फॉल्स अंडर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देन नेक्स्ट कम्स एज द वेरियस फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, जहाँ पे आपको जो आपके 4 फीचर्स हैं, लाइक द पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, राइट? तो उस पर आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि पीपल क्या है। पीपल इज बेसिकली द ग्रुप, और यू कैन से द ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट टाइप के टास्क करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सो जो आपकी हायरकी है, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं, या आपके इंटरनल जो सर्टेन पॉलिसीज हैं उनके ऊपर है, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी इज बेसिकली द फंक्शनैलिटी, और यू कैन से द एडवांसमेंट विच आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, दैट कम्स अंडर द टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट में अगेन आपके 2 फैक्टर्स आते हैं, वन इज द इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज द एक्सटर्नल फैक्टर। सो इंटरनल फैक्टर इज द इंटरनल कल्चर, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, विच ऑल फॉल्स विद इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के, लाइक आपके जो अदर कंपिटिटर्स हो गए, या आपका जो सप्लायर चेन हो गई, या आपके डेमोग्राफिक्स हो गए, जो भी आपके उससे बाहर के जो फैक्टर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, दैट फॉल्स अंडर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। सो अगर आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, सो डोंट मिस दैट टॉपिक। अप्रोचेस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आपको इट कम्स अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम एमसीक्यू परस्पेक्टिव, मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट टू 4-5 क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज, एंड मे बी वी कैन हैव 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन द अप्रोचेस, राइट? नॉर्मली अप्रोचेस पे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रेयर रहता है, बट इट्स गुड के आपको अप्रोचेस की आपकी कीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो अप्रोचेस की अगर हम बात करते हैं, देन देयर आर 3 अप्रोचेस, द वेरी फर्स्ट वन इज द क्लासिकल, सेकेंड वन इज द न्यू क्लासिकल, एंड द थर्ड वन इज द मॉडर्न। सो क्लासिकल में अगर आप देखेंगे तो आपके 3 टाइप्स हैं, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव।
न्यू क्लासिकल में आपके है ह्यूमन रिसोर्स एंड मॉडर्न में आपका सिस्टम एंड कंटीजेंसी, राइट। सो क्लासिकल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल अप्रोच इज बेसिकली एम्फेसाइजिंग ऑन द प्लानिंग ऑफ द वर्क और द टेक्निकल नेसेसिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो उसमें आपका जो मेन जो फीचर्स थे डेट कम्स एज द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन, स्केलर चेन प्रिंसिपल एंड द फंक्शनल प्रिंसिपल, राइट। अब इसमें अगर आपकी देखें तो इसमें आपकी जो थ्री डिफरेंट अप्रोचेस है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू शुड बी अवेयर कि साइंटिफिक अप्रोच किसने हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस, लाइक द एफ डब्ल्यू टेलर। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच किसने प्रोवाइड की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच आपको किसने प्रोवाइड की थी, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द न्यू क्लासिकल अप्रोच, सो जिसमें आपके जो सोशल वेरिएबल्स थे वो आपका आ गया था, जिसमें आपके बेसिकली जो फ्लैट स्ट्रक्चर था या डिसेंट्रलाइजेशन था या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, डेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द न्यू क्लासिकल, ठीक है। जहाँ पे ह्यूमंस को भी इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, जो आपके एम्प्लॉयज थी उनको इम्पोर्टेंस मिलने लगी, सो दैट कम्स अंडर द न्यू क्लासिकल अप्रोच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मॉडर्न अप्रोच। सो मॉडर्न अप्रोच में आपकी जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, जो आपके एडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच उसके लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करके जो लेटेस्ट अप्रोच आई, दैट वी कॉल इट एज द सिस्टम्स अप्रोच, जहाँ पे आपका सब सिस्टम्स है, टेक्निकल सिस्टम्स है, प्रोडक्शन सिस्टम है, बहुत सारे आपके सिस्टम्स हैं, आपके इंटरलिंकिंग वेज हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन करते हैं, देयर इज अ डिसीजन मेकिंग, इट्स अ मिक्स बैलेंस वे, सो दैट ऑल कम्स अंडर द मॉडर्न सिस्टम्स अप्रोच। एंड फाइनली द कंटीजेंसी अप्रोच, सो कंटीजेंसी अप्रोच इज बेसिकली वेयर ईच सिचुएशन मे बी एनालाइज्ड एंड वी डिटरमाइन द फैक्टर्स बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर अप्रोच, राइट। मे बी इट्स ड्यू टू द एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, तो अगेन अप्रोचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज देन आई थिंक दिस टॉपिक इज ओके, आई थिंक दिस इज द टॉपिक फॉर चैप्टर वन। So, if you have any doubts or facing any challenges, then just feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like and do subscribe and stay connected for the next videos. Thank you so much.